चार बीवी 40 बच्चे, यहाँ नहीं चलेगा, पाकिस्तान में चलेगा। देश हिंदू का देश है, हिंदू का देश बन के रहेगा। हिंदू सुरक्षा कहाँ मिलेगी? हिंदू को सुरक्षा पाकिस्तान के लिए नहीं था क्या हिंदू सुरक्षा? बहुत सारे साधु संत अभी आपने देखा कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र में क्या परेशानी है? हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कहाँ होगा? हिंदुओं को भूलने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा? भूलने का अधिकार मुझे लगता है सर आपको नहीं लगता, सबको होना चाहिए? नहीं, सबको क्यों होना चाहिए? जिन्ना देश तो धर्मनिरपेक्षता का देश है, धर्मनिरपेक्ष है। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं वो हमारी परंपरा से नहीं जुड़ सकते। हिंदुत्व और हिंदू की जो बात कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व अलहदा कहाँ है? अगर मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, इस मंदिर को बनाया मैंने, आज इसमें अपना जी जान लगा दिया, 50 साल की उम्र मैंने इसमें खपा दी, है ना, तो इसको हिंदू कहोगे या हिंदुत्व कहोगे? क्या कहोगे इसको बताओ? मैं आपसे भगवान का मंदिर नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ मेरी भावना हिंदू की है, हिंदुत्व की है। मैं तो इसे भगवान का एक मंदिर कहूँगी, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ वो मेरे लिए एक भगवान, मुझे लगता है सबका मालिक है, मैं उसमें यकीन करती हूँ। भगवान का मंदिर है और हिंदुओं का मंदिर है, हिंदुत्व की भावना मंदिरों से जुड़ी है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। जैसे आपने कहा नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता हम एक धर्मनिरपेक्ष वाले देश में रहते हैं जहाँ पे सबका आदर सम्मान होना चाहिए? मुसलमानों का जितना आदर सम्मान हिंदुस्तान के अंदर है किसी भी देश के अंदर नहीं है। मानती हूं मैं। फिर वो अभी एक यहाँ पंचायत हुई थी हरियाणा के, कोई थे उन्होंने करी थी लाडो पंचायत, तो मोमडन के कुछ काजियों ने कहा कि हमारे शरीयत में 12 साल और 15 साल उम्र है शादी की, तो हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। बिल्कुल संविधान से चलना चाहिए देश, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। सूरजपाल अम्मू को आप जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा, वो ऐसे ही कुछ हमारे देश में लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों को हटा देना चाहिए, तो आप इस बात से वाकिफ हैं? जो संतों की मर्यादा से जुड़े हैं, जो अखाड़े संप्रदायों से जुड़े हैं, वो कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी नहीं देखा होगा किसी भी अखाड़े के महात्मा। यतीन नरसिंहानंद को जानते हैं? नहीं, यतीन नरसिंहानंद संत हैं, मानते हैं। तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं, वो हिंदुओं को जगाने की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के लीडर्स को सोना पड़ता है, ऐसी बात ऐसा नहीं है, वो बात करते करते बहक जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। कैसे संत हुए? संत बुरा नहीं है, हिंदुत्व की बात करने वाला संत बुरा हो नहीं सकता। चार बीवी रखते हैं, 40 बच्चे करते हैं, अगर हम चार बीवी 40 बच्चे, यहाँ नहीं चलेगा, पाकिस्तान में चलेगा। के प्रति आपकी जो विचारधारा है बहुत नेगेटिव है, देखी जा रही नहीं है? नेगेटिव नहीं है, एक आप उन इलाके में जाओ, 16 साल की उम्र में बच्ची की शादी हो गई, 28 हिंदुओं में भी होती है? नहीं नहीं, 28 साल की उम्र में आपने देखा नहीं? फिर राजस्थान हरियाणा के कल्चर में होते हैं ऐसा? 28 साल की उम्र में उसके 14 बच्चे है ना, क्या कंडीशन है? चार चार शादी कर रखी हैं, 40-40 बच्चे कर रखे हैं। हिंदुओं में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा नहीं है? हिंदुओं में ऐसा नहीं है? कहाँ पे देखा आपने? नहीं है ऐसा? है पूरे पूरे मेरठ में देखो ना, राजस्थान की बात क्यों ले रहे हो आप? पूरे मैं तो पूरे देश की बात, पूरे यूपी में देखो ऐसा नहीं है, बताया नहीं। लेकिन शुरुआत का सवाल ये था, काम की बात की राम की बात? काम की बात तो हो नहीं रही, राम की बात हो, मैं इससे नहीं डिनाई करती, लेकिन काम को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पिछले जमाने में जब गांव में बच्चा पैदा होता था, एक बच्चा संतों को दिया जाता महात्मा बनाने के लिए, आज महात्मा बनाने के लिए बच्चों के लाले पड़ रहे हैं, महात्मा बनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? ये बच्चे बनाने के बाद ना मदरसे में भेज देते हैं, वहाँ क्या शिक्षा पाई जाती है वहाँ? क्यों नहीं है महात्मा बनने के लिए तैयार? बच्चे दो हो रहे हैं तो कहाँ से हो जाएंगे? दो बच्चे हो रहे हैं तो कहाँ से हो जाएंगे? पहले 4-5-6 बच्चे होते थे हर हिंदू परिवार में। पॉपुलेशन कंट्रोल तो हर उसमें होना चाहिए ना, ये धर्म जाति से नहीं, क्या नहीं, हमारे हिंदुओं ने तो कर रखी, अपने आप समझदार हैं। उनका बच्चा पैदा होता है 3 साल घर में, मेरे भी दोस्त हैं कुछ मुसलमान, उनके घर में से 2 भाई बहन हैं, 3 साल के बाद में उसे साइकिल में पिंचर वाले के भेज देते हैं कि पिंचर लगाने के लिए, कि 6 रुपये रोज तो लाएगा, ऐसी सोच है उन लोगों की। नहीं, सबकी सोच ऐसी नहीं है, ऐसे तो हिंदुओं की भी सोच खराब है, वो अपने बच्चों को सड़क पर छोड़ देते हैं। के अंदर शरीयत का कानून चलेगा क्या? हिंदुस्तान के अंदर चार बीवी चलेंगे? एक बात को यहाँ पे बस एक काउंटर करना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब धर्म एक होने चाहिए, हम एक धर्म निरपेक्षता वाले देश में रहते हैं। हिंदुत्ववादी जो सोच है वो हमारे देश को कहीं ना कहीं एक पिछड़ी
स्तर पे लाके खड़ा कर रही है, जिस पे हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि कैसे हमारे देश से गरीबी हटे, जो यूपी तीसरे नंबर पर है इस वक्त गरीबी रेखा में, वो कैसे हटे उस पर काम होना चाहिए। जो विचारधारा ये पनप रही है कि हिंदूवादी देश होना चाहिए, उससे ज़्यादा हटके आपको नहीं लगता काम पर बात होनी चाहिए? कैसे गरीब हटे, कैसे बेरोजगारी जो है, गरीबी हटे, गरीब नहीं हटे, मेरा मतलब था गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, महंगाई खत्म हो। हिंदू सुरक्षा कहाँ मिलेगी? हिंदू को सुरक्षा पाकिस्तान के पहले नहीं था क्या? हिंदू सुरक्षित पहले गड्ढे में गया हिंदू पिछले 70 सालों की सरकारों में, कहाँ हिंदू की सुनवाई होती थी? एक भी बता दो मुझे सर सुनवाई। तो मैं भी आप ही के देश की हूँ, आप भी इसी देश के हैं, मेरा परिवार मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, सुनवाई तो सबकी हो रही है, वोट देते हैं, सरकार तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही। सबके लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है? अरे राम, हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि का निर्माण करा दिया, ये कम है? कौन सी सरकार ने कराया, किसने सोचा इस बारे में? राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, वो मुद्दा था खत्म हो गया। कृष्ण मंदिर भी बनने का मुद्दा खत्म नहीं हो गया, लेकिन मुद्दों को बढ़ाते जाना ये डेवलपमेंट की निशानी है क्या? ताजो महल भी बनेगा, ताजो महल जो ताजमहल के नाम से मशहूर है, क्या मतलब है हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीजों का होने का? क्यों नहीं है मतलब? हमारा देश, मैंने आपको फिर बताया, धर्मनिरपेक्ष हिंदू का देश है, हिंदू का देश बनकर रहेगा। देखिए हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का देश है, सेक्युलरिज्म पे हम यकीन करते हैं, भारत में हर कोई समानता, बात भी यही होती है कि धर्म नहीं सिखाता ना आपस में बैर रखना, और वही जो भी धर्म, हर धर्म जाति का सम्मान, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई वो महाराज हो, चाहे वो कोई नेता हो, सबको करना चाहिए। ये देश को एक पिछड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी नेता की, किसी भी संत की, किसी भी इंसान की। हमारा देश कैसे आगे बढ़े उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये देखिए संतों की कुछ एक विचारधारा है जो बहुत ज़्यादा पनपती हुई नज़र आ रही है कि हमारा देश जो है हिंदूवादी देश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिससे मैं बिल्कुल ताल्लुक बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है हमारे देश में बात होनी चाहिए कैसे बेरोजगारी हटाई जाए, कैसे महंगाई हटाई जाए, कैसे हमारे देश को आगे बढ़ा जाए जिससे कि हम तरक्की कर सकें, हमारा देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, US, चाइना से कम्पीट कर सके, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सके, इस पर हमें काम करने की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।